सो हेलो एवरीवन, सो अभी हम लोग टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेरिवेशन को 10 मिनट में कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें ना दो कंसेप्ट आपको आना चाहिए, उसको पहले हम समझाते हैं। देख भाई, पहले टॉर्क का मतलब पता होना चाहिए, है ना। टॉर्क का मतलब नहीं पता होगा बहुत लोग को। जैसे देखो, ये वाला रॉड है, ठीक है, तो इस रॉड को हम ऐसे दोनों तरफ से खींचे, क्या होगा? रॉड चलने लगेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर इस रॉड को, स्टेयरिंग कैसे होता है कार में, स्टेयरिंग कैसे खींचते हैं स्टेयरिंग बैठ के हम लोग, नहीं ना, ऐसे करते हैं ना, कुछ ऐसे करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसको घुमाना है। तो स्टेयरिंग पे फोर्स लग रहा है क्या कार का, स्टेयरिंग पे नहीं, तो क्या लग रहा है उसमें? टॉर्क लग रहा है। तो यानी कि जो टॉर्क यहाँ पर हम लोग सुन रहे हैं, नया चीज़, बहुत लोग 11 में पढ़ भी लिया होगा, ये टॉर्क क्या है? और कुछ नहीं तो क्या है, फोर्स ही है। लेकिन वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है, घुमा देता है। अब जैसे ये वाले को हम यहाँ से घुमाएं, यहाँ से तो बड़ा कष्ट होगा घुमाने में, लेकिन अगर साइड साइड से घुमाएं तो बड़ा आसान होगा घुमाना इसको, क्या? अच्छा, हम बार बार ऐसे कर रहे हैं, मतलब ये वाला चीज़ कहाँ, ये वाला हाथ जो है वो कहाँ इसको लेके जा रहा है, नीचे, और ये वाला हाथ कहाँ लेके जा रहा है? तो ठीक वैसे ही यहाँ भी कुछ करने वाले हैं। जो हम लोग डाइपोल पढ़ रहे हैं ना, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा, तो मान लो कि इधर एक पॉजिटिव चार्ज है और इस तरफ एक नेगेटिव चार्ज है, तो देखो उसको हम ऐसे रखे हैं, वही फिगर है सेम। अच्छा, ये क्या है, जो लकीर खींचे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। और देखो इस पर एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, तो देखो ये वाला फोर्स ऐसे लगेगा। अच्छा, एक चीज़ और है जी, इसको तुम ये मत सोचना कि ऐसे घुमा देंगे, या फिर ऐसे सोचना पड़ेगा घुमाना किधर है इसको। तो हम यहाँ पर ना एक बार पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। देखो फॉर्मूला पहले समझ लो, इसका फॉर्मूला ऐसा कुछ निकलेगा, ऐसा कुछ आएगा फॉर्मूला, वेक्टर फॉर्म में ऐसा आएगा, पी क्रॉस ई। पी समझती हो, पगला नहीं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ होता है, माइनस से, ऐसे होता है डाइपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये क्या है, दोनों के बीच में एंगल, तो यहाँ पर एंगल ऐसे थीटा बना ले। अब सुन ध्यान से सुन, इसको मल्टीप्लिकेशन नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस प्रोडक्ट, पी क्रॉस ई। मतलब ये देखो, ये पी कैसे है, पी क्रॉस ई होना चाहिए, तो एंगल तो ऐसे नहीं होगा ना, एंगल ऐसे मेजर करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पी क्रॉस ई, मतलब पी पे रखें और किधर घुमाएंगे, तो कैसे घूमेगा ये पी क्रॉस ई, कैसे घूमेगा ये, क्लॉकवाइज घूमेगा है, देख लेते एक बार करके, पी क्रॉस ई, देखो पी ऐसे डाइपोल मोमेंट और ई इधर घूमेगा तो अंदर आएगा ये टॉर्क, ऐसे पी क्रॉस ई, पी से ई की तरफ, तो ये कैसे घूम रहा है, कैसे घूम रहा है ये, क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो हमेशा इसको क्लॉकवाइज ही लेके चलना, एंटी क्लॉक मत ले लेना, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पी से ई की तरफ। अच्छा, पी हम सही बनाए हैं, बिल्कुल सही है, माइनस से प्लस, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बोलो ये। अच्छा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ये डाइपोल का, डाइपोल का तो कैसे होगा, प्लस से ऐसे होता है ना, लेकिन डाइपोल का नहीं देखना है, कौन सा देखना है, और ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल, कौन सा है, एक्सटर्नल फील्ड। समझ में आया, पी से ई क्यों बोल रहे हैं हम बार बार, क्योंकि यहाँ पर पी फिर क्रॉस क्या है, तुम इसको ई क्रॉस पी लिख सकता है, ई क्रॉस पी लिख सकता है इसको, नहीं लिख सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो टॉर्क है कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन भी है, तो अगर तुम इसको ई क्रॉस पी लिख देगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना, समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। अगर तुम इसको ऐसे लिख दिया ई क्रॉस पी, ई क्रॉस पी का मतलब हो जाएगा ई से पी, तो कैसे घूमेगा फिर ये, तो उल्टा काम हो जाएगा, समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं हम। तो तुम इसको क्या लेके चलो, पी क्रॉस ई, तो इस पर ध्यान देना जरूर, क्योंकि तुम्हारा एक चीज चेंज करने से तुम इसको उल्टा घुमाने लगेगा, समझ में आया, ये बात समझ में आया हमारा। हाँ, तो ये फॉर्मूला हम लोग को ड्राइव करना है, ये वाला फॉर्मूला निकालना है, और इसको हम लोग स्केलर फॉर्म में क्या लिखते हैं, पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा, पी का मतलब डाइपोल, ई का मतलब साइन थीटा, एंगल बिटवीन पी एन ई। यहाँ साइन थीटा कैसे है, समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट, अगर डॉट रहता तो यहाँ क्या आता, कॉस थीटा, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो सुनो, इस वाले फॉर्मूला पे केस भी करना है। अब तुमको हम बोल रहे थे जो एक तुमको बेसिक आना चाहिए, पहले चीज टॉर्क समझ में आया, टॉर्क का मतलब कुछ नहीं होता, क्या होता है भाई, फोर्स होता है, लेकिन ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को क्या करे, घुमा दे, वो फोर्स, मतलब फोर्स यहाँ भी लगेगा लेकिन घुमा देगा डाइपोल को, तो डाइपोल ऐसे ऐसे घूमेगा ना, यानी कि ऐसे ऐसे घूमेगा, और ऐसे ऐसे घूमते हुए आगे बढ़ेगा क्या, आगे क्यों नहीं बढ़ेगा, अभी हम बताएंगे। अच्छा, सबसे पहले ये समझो, जैसे मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये समझने लगा कंसेप्ट, इसको लिखना नहीं, समझना सिर्फ, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाएगा या उसके अपोजिट, बताओ, अपोजिट जाएगा, यानी इस तरफ, तो इस पे फोर्स क्या लिखेंगे, हाँ, इसका फोर्स कितना लिखेंगे, क्यों ही लिख दें। अच्छा, अगर यहाँ पर ये, अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज होता तब ये किधर जाता, इसके साथ जाता, आया समझ में। यहाँ पर मान लो हम वेक्टर लगा दिए, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसका लिखेगा तो, हाँ,
क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चले, कंसेप्ट बनाए हम लोग कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ चलेगा, नेगेटिव चार्ज कैसे चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। समझ में नहीं आया क्या चीज़ चलेगा, मतलब इसमें फोर्स लगेगा अपोजिट। देखो बाबू ये जो तुमको दिख रहा है ना, ए यहाँ देख, यहाँ देख, यहाँ देख, ये जो तुमको दिख रहा है ना ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। हाँ हाँ, आपने से एज्यूम किया कंसेप्ट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में जब भी किसी चार्ज को रखते हैं ना, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तो उस चार्ज पे क्या लगता है, फोर्स लगता है, और उस फोर्स के कारण या तो चार्ज ऐसे चलेगा या तो चार्ज आगे जाएगा। तो कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा वो समझ में आया, प्लस रहा तो आगे जाएगा, माइनस रहा तो, ठीक है सर, क्लियर है। हाँ, और इसको वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला चार्ज नेगेटिव था, इसके लिए क्या लिखोगी बोलो, इस वाले के लिए प्लस क्यू लिखोगी, ये लॉजिक आया समझ में, नेगेटिव पॉजिटिव वाला, ठीक है। चलो तो अब इतना अगर समझ में आता है तो ये डेरिवेशन कर सकते हैं। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या बताएं अभी हम, ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स मतलब फोर्स हम कितना लगा रहे हैं, क्या चीज़ के लिए, घुमाने के लिए। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब देखो यहाँ से डिस्टेंस, ये वाला इसके लिए होगा, जैसे ये वाला मान लो रॉड कहाँ गया, हाँ ये वाला, ये देखो ये रॉड, इस रॉड का यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहीं से पकड़ के ऐसे घुमा रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे स्टेयरिंग में भी तो होता है, स्टेयरिंग में जो डिज़ाइन ऐसे बना रहता है वो क्या रहता है, सेंटर से लेके परपेंडिकुलर। देखो जो स्टेयरिंग रहता है ना वो एक्चुअली टॉर्क का एग्जांपल हुआ, क्योंकि स्टेयरिंग फिक्स भी किया हुआ रहता है और ऐसे ऐसे घूमता है स्टेयरिंग, या तो क्लॉक या तो एंटी क्लॉक, जैसे घुमाना घुमा लो। और स्टेयरिंग का हम लोग जो साइड में ऐसे बना रहता है पकड़ने वाला, वहीं से घुमाते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है अगर बीच से ऐसे घुमाएंगे तो घूमेगा ही, बहुत दिक्कत होगा घूमने में। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं हम, हाँ, तो वो एक्चुअल एग्जांपल हुआ टॉर्क का, ठीक है। चलो आगे, अगर इस देखो अब यहाँ देखो, अभी लिखना मत, अब देखो यहाँ पर जब समझा रहे तब मत लिखना। देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग अ चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, इसके बारे में लिखा हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन, देखो ये प्लस माइनस जो चार्ज था ना इसको उठा के हम कहाँ रख दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए। और सबसे खास बात, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैसा है, यूनिफॉर्म, देख रही हो, स्ट्रेट पैरेलल एंड इक्वल स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म वाले फील्ड को, बताए थे ना ये प्रॉपर्टीज जब पढ़ा रहे थे तो। हाँ, तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो यहाँ पर भी कितना होगा, ई होगा, क्लियर है। अब ये प्लस चार्ज है तो अभी जस्ट बताए थे प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब प्लस चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाता है तो उससे फोर्स ऐसे लगता होगा ना, ये समझ में आया बात क्या बोले अभी हम। और ये नेगेटिव चार्ज पे कैसा लगता है, अपोजिट, तो इसलिए देखो ऐसे दिखाएं, ये समझ में आया। अच्छा, ये दोनों फोर्स जो है ना, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेगा, सोच के बताओ, इक्वल बट नॉट अपोजिट। देख भाई ये ऐसे नहीं है, देखो ऐसे नहीं खींच रहे इस रॉड को, हम ऐसे नहीं खींच रहे हैं, हम ऐसे रखे हैं इसको, तो ये दोनों बराबर तो है, ये दोनों फोर्स जो है F1 F2 ये बराबर तो है, बराबर है ना, F1 बराबर F2 कितना के बराबर है बोल, क्यों ही के बराबर, ये फॉर्मूला पढ़ाए थे ना, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन एक चीज पे ध्यान देना, ये वाला फोर्स ना ऊपर में है और ये नीचे में है, तो ऐसा नहीं कि ये कैंसिल होगा। देखो क्या लिखा है, पढ़ो यहां पर, फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज प्लस क्यू बाई ई। देखो देखो सुनो सुनो, अगर इसको हम ऐसे सीधा रखते ना, देखो अगर ऐसे रखते, देखो देखो अगर इसको हम ऐसे रखते ना, तब एक फोर्स ऐसे और दूसरा फोर्स ऐसे, तो ऐसे ऐसे करके ये क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता ना भाई। लेकिन इसको हम ऐसे नहीं रखे हैं, हम इसको ऐसे रखे हैं तो कैंसिल होगा। अरे समझो भाई, हंस रही हो फालतू का, ये समझ, ये कैंसिल होगा बताओ, नहीं होगा ना कैंसिल, क्योंकि देखो ऐसे एक फोर्स लगेगा और एक ऐसे लगेगा तो ये घूम जाएगा इसे, समझ रहा है। इसको ऐसे क्यों रखा गया मालूम चला, ताकि ऐसे घूम जाए, टॉर्क लग जाए इस पे। अगर ऐसे स्ट्रेट, हाँ इक्वल है फोर्स, इक्वल है तो इसलिए देखो यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड वाइज तो जीरो हो रहा है, मैग्नीट्यूड वाइज जीरो हो रहा है ये। देखो क्या बता रहे हैं यहाँ पर, पढ़ो तो जरा, फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज प्लस क्यों इतना है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज माइनस क्यों इतना है, तो दोनों का जब हम नेट निकालेंगे फोर्स, हाँ तो जब दोनों का फोर्स निकालेंगे टोटल, तो टोटल तो कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा, तो ये शून्य क्या चीज़ होगा, ये शून्य ये वाला फोर्स जीरो होगा। देखो बाबू देखो देखो, जैसे मान लो ये रॉड है, इस रॉड को हम ऐसे खींचते हैं, सिर्फ एक तरफ से ऐसे खींचते हैं, तो ये किधर जाएगा, रॉड इस तरफ चल जाएगा, इधर से भी खींचते हैं इधर से भी खींचते हैं तो क्या होगा, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अगर ऐसे करते हैं तब ये आगे बढ़ जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, यहीं पर ऐसे घूमने लगेगा, समझ में आ रहा है। तो ये जो डाइपोल है ये ऐसे गोल गोल घूमते हुए आगे नहीं बढ़ेगा, ये क्या होगा, यहीं पर घूमते रहेगा ऐसे ऐसे करके, ये बात समझ में आया क्या बोले हम, हैं।
तो देखो ये जो ऐसे देखो ध्यान सुनना, ये जो ऐसे ऐसे वाला मोशन होता है ना, इसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन, मतलब गोल गोल घूमते हुए आगे बढ़ना, ट्रांसलेटरी मोशन। यहाँ ट्रांसलेटरी मोशन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो क्यूई है, ये वाला जो फोर्स है और ये वाला, दोनों आपस में क्या है? इक्वल है, इक्वल है। अगर इक्वल नहीं होता तब ये गोल गोल घूम के आगे भी बढ़ने लगता। देखो बाबू, इक्वल होने से क्या नुकसान हुआ? इक्वल होने से ये दोनों एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल करके जीरो कर दिया। अब ये बताओ जरा, ये बताओ, मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? तो इसलिए यहाँ इलेक्ट्रिक, इस वाले फोर्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम ई लिख रहे हैं, तो दूसरे वाले के लिए भी क्या लिख रहे हैं? मान लो किसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ना हो, बराबर ना होने से हम यहाँ पर ई1 लिखेंगे, तो यहाँ क्या लिख देंगे? तब ये कैंसिल होकर जीरो होगा, बताओ? जीरो होगा, बताओ? तब तो ये डाइपोल ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, तो तब भी घूमेगा, तब भी, और घूमते घूमते आगे भी बढ़ने लगेगा। तो हम जानबूझ करके यहाँ पर कैसा फील्ड लिए? यूनिफॉर्म, ताकि ये जो क्यूई और क्यूई है वो आपस में क्या हो जाए? ये लॉजिक समझ में आया क्या बोल रहे हैं? इसको आपस में कट जाए, कैंसिल हो जाए, और ये डाइपोल ऐसे घूमते घूमते आगे ना बढ़े। हम क्या चाह रहे हैं? कि डाइपोल सिर्फ यहीं पर ऐसे गोल गोल घूमते रहे। तो इसको क्या बोलते हैं? जब कोई चीज़ अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे घूमता है, क्या बोलते हैं इसको? रोटेशनल मोशन। तो ये जो डाइपोल होगा ना, ये सिर्फ रोटेशनल मोशन में होगा, ट्रांसलेटरी मोशन इसमें क्या होगा? जीरो होगा। और देखो वो जो तुमको अभी समझाया ना कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम ई लिए हैं, देखो वही बात लिखे हैं, पढ़ो उसको क्या लिखा हुआ है। ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। क्या लिखा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E1 E2, तब ये तो कैंसिल ही नहीं होता, तब तो ये घूम आगे चलने लगता। किसको नहीं आया समझ में, बताओ तो जरा, हम दोबारा समझाएंगे। तुम लोग को आया समझ में कि कोई डाउट है? डाउट है, चलो पूछो, क्या डाउट है? ऐसे स्लैंटेड क्यों है? देखो अगर इसको ऐसे सीधा रखते ना, ध्यान से सुनना, अगर इसको ऐसे सीधा रखते ना तो क्या होता? देखो बता रहे हैं, इधर से ऐसे खींचता और इधर से भी ऐसे खींचते, तो दोनों फोर्स आपस में क्या हो जाता? और ये ऐसे ऐसे घूमता, घूम भी नहीं पाता, समझ में आया? लेकिन जब ऐसे टेढ़ा रखे हैं, तब ऐसे खींच रहे हैं इसको इधर और ऐसे खींच रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? घूम जा रहा है, हाँ, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? क्योंकि देखो ये वाला और ये वाला आपस में क्या है? इक्वल है ना, समझी? नेट फोर्स इज जीरो बट द नेट टॉर्क इज नॉट जीरो, समझी? क्या बोल रही, बोलो कैसे रखने से? हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं कि इसको पहले ऐसे था ये, फिर इसको बाद में हम ऐसे टेढ़ा रखें, समझी? बाद में ऐसे टेढ़ा किए, स्टार्टिंग में तो ऐसा ही था, बाद में इसको हम ऐसे टेढ़ा किए, उसके बाद फिर घुमाना स्टार्ट किए, समझ में आ रहा है? तो एक बार जब ऐसे कर दिया तो घूमते चलेगा फिर। क्या बोल रहे तुम दोस्त, समझा नहीं समझा? कौन चीज़ परपेंडिकुलर? क्या परपेंडिकुलर? अच्छा, ऐसे क्यों नहीं रखे हैं? वैसे भी रख सकते हैं, उससे तो उस वो तो और अच्छा रहेगा। ये बोल रही है कि सर इसको ऐसे क्यों नहीं रखे हैं, ऐसे में तो और अच्छा रहेगा ना, तब इसमें थीटा कितना हो जाएगा? 90 होगा। लेकिन 90 कर देंगे तब वो जनरल केस नहीं होगा ना, नहीं समझी? पी ई साइन थीटा पड़ती हो ना, अब तुम वहाँ साइन 90 कर दोगी तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? पी ई। तो ये जो हम तुमको बनवाए हैं ना, यहाँ पर जानबूझ के थीटा लिए हैं। जानबूझ कर थीटा लेने से क्या फ़ायदा होगा? हमको फॉर्मूला में पी साइन थीटा मिलेगा। अगर यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे रख देंगे तो और अच्छा रहेगा, ऐसे और घूम पाएगा आराम से। लेकिन यहाँ पर 90 हो जाएगा, तो साइन 90 कितना होता है? साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर सिर्फ पी बचेगा ना, समझ में आ रहा दोस्त? नहीं समझ में आया? आया समझ में? ऐसे क्यों नहीं रखे वो समझ में आया रीज़न उसका? ऐसे रखते तब तो ये वाला इधर से खींचता और इधर से खींचता, दोनों क्या कर देता एक दूसरे को, तो ये आगे बढ़ता, आगे तो नहीं बढ़ता और घूमता ऐसे, घूम भी नहीं पाता। स्टेयरिंग को ऐसे ऐसे करोगी कार का तो कहाँ कुछ होगा? स्टेयरिंग को जब तक ऐसे नहीं करोगी तब तक नहीं घूमेगा स्टेयरिंग, समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? तो जब तुम कार का स्टेयरिंग घुमाता है तो उसमें फोर्स क्या होता है? स्टेयरिंग में फोर्स उसमें क्या होता है? स्टेयरिंग में जीरो होता है। लेकिन टॉर्क, टॉर्क जीरो होता है? नहीं नहीं, टॉर्क की वजह से ही तो वो घूम रहा है, समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं हम? हाँ, तो ट्रांसलेटरी वाला फोर्स जीरो हो गया यहाँ पर, क्लियर है? अब चलो डेरिवेशन करते हैं हम लोग। तो यानी कि एग्जाम में इससे ये वाला चीज़ बहुत पूछता है कि यहाँ पर नेट फोर्स जीरो, तो क्या मतलब आया उसको? क्या ये समझ में आया ना? चलो आगे देखो, देख लो देख लो देखो, यहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला लिखे हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स जो है वो नेट फोर्स जीरो है। यहाँ पर जब हम फोर्स लिखेंगे तो फोर्स है कितना? फोर्स जो लिखना है किसी एक चार्ज का लिखना है, तो किसी एक चार्ज पे फोर्स कितना है? क्यूई। तुम बोलोगी कि सर आप ये प्लस वाले के बारे लिखे हैं क्या यहाँ पर? प्लस क्यूई। आप ये जो क्यूई लिखे हैं वो इसके बारे लिखे हैं क्या?
तो मेरा जवाब होगा नहीं। यहां जो टॉर्क का फॉर्मूला लिखा हुआ है, सुनना ध्यान से सुनना ये मेरी बात, ये जो टॉर्क का फॉर्मूला है ये स्केलर फॉर्म में है या वेक्टर फॉर्म में है? स्केलर फॉर्म में, कहां किसी में वेक्टर लगाए हैं। तो यहां पर ये जो हमको फोर्स रखना है ये स्केलर फॉर्म में या वेक्टर फॉर्म में? तो हम अगर इस चार्ज का फोर्स का बात करें तो कितना होगा? क्यू ही होगा। और ये वाले पे कितना होगा? लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में पूछेंगे तब इसको क्या लिखेगा? माइनस, और इस वाले को प्लस क्यू। समझ रहा है क्या नहीं समझ रहा है? तो यहां पर फोर्स हमको किस में लिखना है? स्केलर फॉर्म में। तो सिर्फ क्या लिखेंगे? आया समझ में? परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में, कहां का परपेंडिकुलर डिस्टेंस? तो ये जो दो डाइपोल का सिस्टम बना है ये दोनों चार्ज के बीच में, तो ये दोनों चार्ज का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा? ये तो हो नहीं सकता है। देखो तो इस चार्ज से जब तुम ऐसे मूव करोगी दिस इज नॉट परपेंडिकुलर, लेकिन अगर इस चार्ज से कुछ दूर जाके ऐसे मूव करोगे तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो यानी कि ये चाहिए हमको बीसी, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बीसी लिख दिया। उसके बाद ये बीसी निकालने के लिए सिर्फ साइन थीटा ही यूज़ किए हैं। तुम और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म ले लो, कॉट ले लो, कॉस ले लो, कोसेक ले लो, निकलेगा ही नहीं बीसी। तुम यहाँ पर ले लो कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? बी बाई एच है, और हमको क्या चाहिए? परपेंडिकुलर चाहिए ना, तो उससे काम चलेगा? कॉस थीटा से नहीं बनेगा, इसलिए साइन थीटा यूज़ किए। घुसाना नहीं है भाई, टैन भी ले सकते हैं लेकिन टैन से भी नहीं निकलेगा, घुसा कह रहा है। तो यहाँ से बीसी निकालना था तो टू ए को इधर भेज दिए, तो यहाँ से बीसी कितना आया? टू ए साइन थीटा। उसके बाद फिर ये इक्वेशन थ्री हुआ, और ये जो बीसी का वैल्यू आया ये वाला, इसको यहाँ चिपका दिया, देखो टू ए साइन थीटा, कोई डाउट? वही लिखे फ्रॉम टू एंड थ्री, तो ये आया। अब देखो, अब तुम डाइपोल का फॉर्मूला क्या जानती हो? देखो वहाँ लिखा है क्यू टू ए, तो यहाँ पर दिख रहा है क्यू टू ए, तो इस क्यू टू ए की जगह पी लिख दिए, और ये जो ई था जो बच गया उसको ऐसे ही लिख दिए, और ये साइन थीटा, तो ये फॉर्मूला आया। क्लियर है? बस सिंपल डेरिवेशन है। अब इसके ऊपर छोटा छोटा केस है, दो उसको डिस्कस कर लेते हैं। नहीं नहीं, इसको स्टेबल अनस्टेबल नहीं बोलते हैं, स्टेबल अनस्टेबल अगले बार पढ़ना है, ये अनस्टेबल स्टेबल का यहाँ कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हाँ नहीं नॉन यूनिफॉर्म में नहीं, वो अलग हो गया, उसको बता देंगे बाद में, उसमें भी यूनिफॉर्म फील्ड होगा। देखो क्या है केस नंबर वन, इसमें वही पुराना यूनिफॉर्म फील्ड है लेकिन इस बार डाइपोल को 90 पे अलाइन किए हैं, तो ये और खतरनाक घूमेगा इस बार, क्या गोल गोल है कि नहीं? तो वही लिखे यहाँ पर पी साइन 90, साइन 90 पे 1 हो गया। अच्छा तुमको ये चीज़ मालूम होना चाहिए, ये जो साइन 90 डिग्री 1 होता है ना, ये साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है, साइन 180 जीरो होगा, उसके बाद साइन का कुछ भी यहाँ थीटा डाल दो 1 से बड़ा कोई वैल्यू नहीं आता उसका। साइन 45 कितना होता है? साइन 45 1 बाई रूट 2 है ना, तो वो 1 से कम हुआ या 1 से बड़ा हुआ? कम हुआ ना। साइन 60 कितना है? कितना कम है? तो ऊपर इतना रमेश हो गया फिर, तो इतना रमेश हो गया फिर कि सर होता होगा है रूट 3/2, तो इससे तो छोटा है ना 1 से, तो यानी कि ये मैक्सिमम हुआ। तो यानी कि जब 90 डिग्री होगा तो टॉर्क क्या आ जाएगा? इस केस में टॉर्क क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और इसके बाद वाला नेक्स्ट वाला क्या है, यहाँ पर केस टू में साइन 0 डिग्री लिए। अब देखो देखो बाबू देखो, उसका कारण तुमको मालूम चल गया कि हम ये जो डाइपोल था इसको ऐसे कहीं रखे थे। समझ में, किताब में ऐसे क्यों बना के रखता है? क्योंकि उसको मालूम है कि अगर ऐसे देगा तब तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो आंसर तो मामला ही खत्म, टॉर्क भी 0, फोर्स भी 0, सब खत्म मामला। इसीलिए वो इसे टेढ़ा रखता है, क्योंकि टेढ़ा वाला केस में ऐसे घूम जाएगा ये। अच्छा एक और चीज सुनना, इसको अंग्रेजी फिजिक्स के भाषा में क्या बोलते हैं? व्हेन वी अलाइन द डाइपोल ऐसे करके, इस टाइप से जब ऐसे अलाइन करते हैं डाइपोल को। अच्छा यहाँ पर ये जीरो कैसे, वो मामला चला मालूम? क्योंकि यहाँ पर डाइपोल ऐसे, देख ध्यान से देख, माइनस से प्लस ऐसे डाइपोल, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही, तो थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। लेकिन इस केस में माइनस से प्लस डाइपोल ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड, तब 90 बना। देखो राज यहाँ पर ध्यान से एक चीज, जैसे अगर ऐसे रखे हैं तो हम लोग कहाँ, ये एरो ये वाला, रुक जा ये वाला एरो बोल रही हो, ये एरो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है? आराम से बताओ, माइनस से प्लस तो ऐसे बनाए, ठीक है? देखो समझ में आ रहा है तुमको, कोई डाउट? देखो अगर ऐसे रखते हैं ना ऐसे, तो इस कंडीशन को फिजिक्स के भाषा में क्या बोलते हैं? जब ऐसे रखते हैं तब ये जो फोर्सेस होगा इस पे, जो ऐसे फोर्स लगेगा और जो ऐसे फोर्स लगेगा, देखो यहाँ पर बना के बता देते हैं, ठीक है? जैसे मान लो यहाँ पर ऐसे प्लस क्यू है, नहीं माइनस क्यू है, मान लो यहाँ पर माइनस क्यू और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर मान लो फोर्स एक ऐसे लगा F1 और यहाँ पर फोर्स ऐसे लगा F2, ये दोनों फोर्स आपस में बराबर है? यस बराबर है, क्योंकि ये चार्ज कितना क्यू और ये भी चार्ज कितना, दोनों का फोर्स बराबर होगा और दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन में है। सर क्या बोल रहे हैं, क्या मतलब होता है इसका? लाइन ऑफ एक्शन सेम का मतलब होता है कि जिस लाइन में ये F2 है उसी लाइन में ये, मतलब समझ में आया? लाइन ऑफ एक्शन सेम का मतलब जिधर F1 उसी सेम स्ट्रेट लाइन में कौन है?
तो इसको हम लोग बोलेंगे इक्वल एंड अपोजिट. क्या बोलेंगे? ये एफ वन एफ टू बराबर तो है और दोनों एक दूसरे के क्या है, लेकिन याद करो जो तुमको डायग्राम बनवाया गया डेरिवेशन में उसमें ऐसे है ना, तो उसमें इक्वल तो है क्यू ही लेकिन अपोजिट नहीं एक दूसरे के, तो उसमें क्या लिखेगा, लाइन ऑफ एक्शन इज सेम नॉट सेम, क्योंकि एक फोर्स ऐसे है दूसरा ऐसे है तो ऐसे घूम जाएगा. तो टॉर्क किसी में कब लगता है, जब लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होता है. देखो यहां पर लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो ये वाला फोर्स इस फोर्स को क्या कर देगा, तो कोई टॉर्क आएगा ही नहीं. तो इस केस में देखो टॉर्क आ भी रहा जीरो, कैसे, ये फॉर्मूला से आया, समझ में नहीं आया, तो इसलिए ऐसे सीधा नहीं रखते, कैसे रखते हैं, ऐसे टेढ़ा रखते हैं और ऐसे घुमा दे तब तो और बढ़िया मैक्सिमम आएगा. तो ये समझ में आया, टॉर्क पूरा अभी खत्म नहीं हुआ, एक चीज़ और इसमें बचा हुआ, अगले बार बताएंगे. चलो बाय, अगले बार बताएंगे बोल रहे हैं बेशरम आदमी.